NQT 2024 17 अप्रैल जो कि कल था, ठीक है, तो मैंने दिया उसका एग्जाम। तो यार एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ अच्छा था, बट कोडिंग राउंड उसमें मतलब जो मुझे वहाँ पे फेस किया हूँ मैं, जो कि नेट पे यहाँ पे था कि दो क्वेश्चन पूछता है, एक 15 मिनट का, एक 30 मिनट का, लेकिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं पूछता, टफ कर दिया है। और ये 15 मिनट में पहले क्वेश्चन में ये था कि फैक्टोरियल निकाल दो या लीप ईयर निकाल दो या सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन है एरे में, राइट, तो इससे या डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन सा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था 15 मिनट वाला। पर इस बार कुछ नहीं है, इस तरह का है ही नहीं। आप लोग अगर ये सोच के जा रहे हैं तो मेरे जैसा आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हो, थोड़ा हार्ड था यार क्वेश्चन, हार्ड था। हाँ, आपको हैकर रैंक वगैरह पे प्रैक्टिस करना होगा तब आपके लिए सही रहेगा, लेकिन मुझे एप्टीट्यूड वगैरह लगा ठीक है, अच्छा था, मतलब जो नॉर्मल रहता है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो निकाल दोगे। लेकिन हाँ, कोडिंग राउंड यार मेरे लिए थोड़ा टफ था, जो मतलब कोडिंग राउंड मेरा टेस्ट के पास नहीं किया था, तो कुछ हद तक जो था मैं जितना दिमाग था उतना मैं कर पाया, बट हाँ हार्ड तो गया मेरे लिए। मैं सोचा था ये 15 मिनट वाला जो था ना, जो बताया था, तो वो सब सारा क्वेश्चन कर लिया था, तो मैं सोचा था कि चलो यार 30 मिनट 45 मिनट वाला नहीं कर पाऊँगा और 15 मिनट वाला मैं कर लूँगा, तो ये सोच के गया था। बाकी एप्टीट्यूड का तो था ही, तो बाकी सब कुछ ठीक था। और हाँ, मैं एक चीज़ और, प्रोग्रामिंग लॉजिक जो 2000 ये चेंज हुआ था, दो जो 10 क्वेश्चन पूछता है इसमें कुछ नहीं पूछ रहा, प्रोग्रामिंग लॉजिक क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और सिर्फ दो कोडिंग क्वेश्चन था, जो कि एक था 40 मिनट्स का, एक था 50 मिनट्स का, यानी कि 90 मिनट्स का आपका कोडिंग राउंड क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा टफ था यार। बाकी ये बाकी सिंपल था यार, मतलब रीजनिंग वर्ड कहोगे तो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा यार, रीजनिंग तो हाँ आप कर सकते हो, तो रीजनिंग आप देख लो, एडवांस रीजनिंग और जो एक सिंपल रीजनिंग होता है दोनों पूछता है। और एप्टीट्यूड वगैरह उतना मतलब डिफिकल्टी नहीं था, मतलब हाँ मतलब क्या कि टाइम के आपको मतलब प्रैक्टिस करना होगा कि ताकि आपका टाइम मतलब टाइम में आप कर सको वहाँ पे, क्योंकि लिमिट टाइम रहता है, राइट। मतलब 20 क्वेश्चन था पहला मेरा सेक्शन से याद था, 20 क्वेश्चन था और 25 मिनट था, तो यानी कि एक मिनट एक क्वेश्चन पे अगर 1 मिनट 2 सेकेंड आप दे सकते हो या 3 सेकेंड दे सकते हो, राइट, इस तरह से आप मतलब आपको मिल रहा था, तो मतलब टाइम मतलब आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना होगा, ये चीज़ है। तो अगर आप लोग देना चाहते हो तो प्लीज़ आप कोडिंग राउंड के लिए ना आप 15 मिनट वाला सोच के भी नहीं जाइए, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। और एप्टीट्यूड के लिए जो था सिंपल था, जो भी है वही है, बट आपको इसके लिए कोडिंग राउंड को लिए आप प्लीज़ फोकस कीजिए। आप मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग कोडिंग राउंड अगर किसी ने अभी दिया है, जैसे कोई आपका फ्रेंड वगैरह होगा, तो आप पूछ सकते हो यार कोडिंग राउंड वो 15 मिनट वाला हटा दिया है सिस्टम, क्योंकि यार इतना मतलब अभी जॉब के लिए वो है कि थोड़ा उसको हाई स्किल वाला बंदा चाहिए, तो हाँ मेरा कोडिंग राउंड उतना अच्छा नहीं गया, तो फिर से करेंगे प्रैक्टिस, हैकर रैंक या जो भी है क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, मैं 15 मिनट वाला किया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। बाकी डिटेल्स मैं आपको अगर कुछ लगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और जो भी मेरा ये था, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मुझे TCS NQT में सब कुछ अच्छा लगा, और अगर आप कहीं जाते हो और न्यू हो तो वहाँ पे ना आपको एक मोबाइल तक ले जाने नहीं देता अंदर में, की जो चाबी होता है गाड़ी का वो भी नहीं ले जाने देगा, तो ये सब चीज़ तो आम बात है, चलो यार वहाँ जाओगे, लेकिन हाँ अगर आप लोग थोड़ा मेरा इनसाइड लेवल आपको बता दिया, अगर अकेले जा रहे हो तो आपको रहता है ना कि मतलब हेलमेट कहाँ रखना है, मोबाइल कहाँ रखना है, तो वो चीज़ ना आप रख सकते हो, लॉकर रूम है वहाँ पे रख सकते हो, बस एक छोटा सा वो मैं जो मैं अपना फेस किया वहाँ पे कि मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो बाकी आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।